मुसलमानों के पैगंबर पर टिप्पणी विवाद को लेकर तनाव जारी है। इसी बीच मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उलमाओं से मुलाकात की है। खबर है कि इस दौरान शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है। खास बात यह है कि पिछले शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें सामने आई थी। एसीपी दिलीप सावंत, ज्ञानेश चौहान और डीसीपी जोन 3 योगेश गुप्ता ने नागपाड़ा के पास बिलाल मस्जिद में उलमाओं से मुलाकात की। बैठक के बाद मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने कहा कि वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की पुलिस की बात से सहमत है। उन्होंने कहा, हमने पहले देखा है कि प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, इसीलिए हम ऐसे किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने से बचेंगे। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है। खबर है कि वो शुक्रवार को नमाज के बाद 17 जून को विरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि पुलिस ने यह साफ किया है कि उन्होंने बहुजन वंचित आघाड़ी की प्रदर्शन की योजना को अनुमति नहीं दी है। पुलिस अधिकारी चौहान ने कहा, हमने उलमाओं से विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील करते हैं। हमने उनसे समुदाय के लोगों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील करने के लिए कहा है। उन्होंने सहयोग का वादा किया है। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। देखिए, उसमें मुंबई पुलिस ही एक पुलिस ऐसी है जिन्होंने इस मामले में सबसे पहले गुनाह दाखिल किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि लॉ की अपने अपने एक प्रोसेस रहती है, प्रोसेस अभी भी चालू हो चुकी है। ऑलरेडी सेंड समन, हमारी एक टीम गई भी हुई है वहाँ। तो मेरी एक अपील है हमारे सब नौजवानों को कि इसमें जो कुछ भी कानूनन कार्रवाई करनी है वो मुंबई पुलिस बाकायदा कर रही है, उसके ऊपर कोई शक रखने की ज़रूर नहीं है। रहा सवाल एक 17 तारीख को जो प्रोसेशन निकलने वाला है, उसको पुलिस ने अभी तक कोई भी परमिशन हमने नहीं दी है। इतना ही अपील है सबको कि जो कुछ भी आपको करना है वो कानून से करो, कानून के दायरे में रह के करो, हमारा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। मैं मसाजिद से उलमा-ए-किराम से के लीगल एक्शन करें, तहफ़्फ़ुज़ नामूस-ए-रिसालत बोर्ड जो बनाया गया था वो लीगल एक्शन के लिए बनाया गया था। लोगों से ये मुतालबा है कि वो लीगल एक्शन की तरफ आएं और एहतजाज जो है वो डेमोक्रेसी में जो है वो हमारा हक है, लेकिन आज के हालात में अगर हम कोई एहतजाज करते हैं तो वो फसाद की शक्ल इख्तियार कर रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि पुरअमन लीगल एक्शन करें। हम नौजवानों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कानूनी चारा जोई करें, लीगल एक्शन करें, पुलिस स्टेशनों में जाके कंप्लेंट दर्ज करें। के बारे में जो मैसेजेस घूम रहे हैं, ऐसे किसी भी रैली को मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। मुंबई पुलिस चौकन्ना है, अपने वेल प्रिपेयर्ड है और यहाँ के अमन और शांति बरकरार रखने के लिए हमारी कोशिश पूरी जारी है। और इसमें हमने सभी उलेमा, सभी मौलाना साहब को भी रिक्वेस्ट की है और उन्होंने भी हमको पूरा विश्वास दिलाया है कि वो यह मैसेज वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान और मुस्लिम भाई है हमारे उनके तक पहुँचाएँगे और यहाँ का अमन का जो माहौल है वो वैसा ही रहेगा। इसके लिए वो भी हमारे साथ जुटकर अपना योगदान देंगे। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।